नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू समर सहारा का सहयोगी चैनल है। समर सहारा एक प्रतिष्ठित अखबार है मध्य प्रदेश का। समर सहारा न्यूज़ हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें करोड़ों इंप्रेशंस हैं। समर सहारा चैनल को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि हम सामाजिक मुद्दों पर बात करें। हमारे समाज में कई कुरीतियाँ हैं, कई अंधविश्वास हैं, धर्मांधता है। आज भी कुरीतियाँ वर्तमान में मौजूद हैं, जैसे दहेज प्रथा है, या बाल विवाह है, या मृत्यु भोज है, धर्मांधता है। ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं। शिक्षा का अभाव है, अपने मतों का प्रयोग कैसे करना है, किन लोगों को सत्ता पे बिठाना है। लोग अभी भी जात पात में फंसे हुए हैं। नेता लोग डर और भय बताकर वोट हासिल कर लेते हैं। ये सब अज्ञानतावश होता है। तो लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमने ये चैनल शुरू किया है, ताकि हम अलग अलग विषयों पे लोगों को जागरूक कर सकें। हमने कई वीडियोस बनाए हैं जो शिक्षा पे भी हैं, हेल्थ पे भी हैं, स्पिरिचुअलिटी पे भी हैं, अध्यात्म पे हैं, जीवन में आनंद कैसे उठाएं इस पे हैं। हमने युवाओं में बढ़ती हिंसा प्रवृत्ति के बारे में बात करी है विशेषज्ञों से। हमने लोगों में बढ़ते डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में बात करी है। हमने विशेषज्ञों से योग के बारे में बात करी है, स्वास्थ्य के बारे में बात करी है। हमने बैंक में बढ़ते एनपीए के बारे में बात करी है, इकोनॉमी के बारे में बात करी है। हमने नेचुरोपैथी के बारे में बात करी है, हमने जेनेरिक मेडिसिन के बारे में बात करी है। हमने कई विषयों पे अभी वीडियोस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि जो भी संस्थाएं या एनजीओज सामाजिक मुद्दों पर कार्य कर रही हैं, हम उनसे जुड़ें। वो जो भी कार्य कर रहे हैं, हम भी उनके इस मिशन में साथ दें। जो भी संस्थाएं सूचना के अधिकार के बारे में जागरूकता फैला रही हैं, शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता फैला रही हैं, भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागरूकता फैला रही हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ें और उनके मिशन को और कामयाब बनाएं। एक बात और कि जो भी लोग सरकारी कामों में भ्रष्टाचार के कारण परेशानी महसूस कर रहे हैं, वो भी हमसे संपर्क करें। अपने आसपास जो भी गैरकानूनी गतिविधि देख रहे हैं या अवैध कॉलोनियां विकसित होते देख रहे हैं या अवैध निर्माण देख रहे हैं या अतिक्रमण देख रहे हैं, वो भी हमसे संपर्क करें। हम लोग मिलकर जिम्मेदारों तक आपकी बात पहुंचाएंगे। हम अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप हमसे संपर्क करें, फिर हम आपसे संपर्क करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। नमस्कार। साथियों, आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो हम आपको ले चलेंगे भोपाल के एक राष्ट्रीय स्तर के कैंसर हॉस्पिटल में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये ईदगाह हिल्स पर स्थित है। यहाँ पर कई नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। ये एक सौगात है भोपाल के नागरिकों के लिए, पूरे एमपी के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो आइए, आज हम आपकी मुलाकात श्री राकेश जोशी से भी करवाएंगे, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल में, और आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर गौतम शरण से, जो कि रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। तो आइए चलते हैं कैंसर हॉस्पिटल।
नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे श्री राकेश जोशी से, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं हॉस्पिटल में। तो आइए उनसे बात करते हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, ये हॉस्पिटल कब स्थापित हुआ और कैसे स्थापित हुआ? क्या ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है या ट्रस्ट हॉस्पिटल है? हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल की स्थापना शुरुआत हुई थी 1995 जनवरी में। भोपाल के ही सपूत थे महामहिम राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। हॉस्पिटल जो है एक मध्य प्रदेश कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति, एक एनजीओ है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसके माध्यम से संचालित होता है। ये संस्था एक चैरिटेबल संस्था है। इसके जो फाउंडर अध्यक्ष थे माननीय श्री मदन मोहन जोशी जी, वो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और अपनी क्षेत्र में जानी हुई हस्ती थे। उन्होंने और उनके साथ एक टीम ने मिलकर इस संस्था की नींव रखी। 1986 में मध्य प्रदेश कैंसर चिकित्सा सेवा समिति की स्थापना हुई और 1989 में इस संस्थान का फाउंडेशन स्टोन डाला गया था और 5 साल के अंदर ही एक विशाल अस्पताल यहाँ शुरू हो गया। आज वो कैंसर के मानचित्र में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत और इवन दुनिया में भी इसे पहचाना जाने लगा है। हमने जो अभी हॉस्पिटल देखा यहाँ पर, तो काफ़ी ओपीडी में भीड़ है, काफ़ी कैंसर के मरीज, महामारी की तरह ये बीमारी फैल रही है हमारे देश में। तो ये जो हॉस्पिटल है, इसके जो चार्जेस हैं वो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल से कम है? देखिए, ये संस्था, कोई भी संस्था बिना संसाधनों के नहीं चल सकती। या तो पूरी तरह वो सरकारी हो तभी संसाधनों, बिना संसाधन चल सकती। ये एक चैरिटेबल संस्था है, हम मरीजों से चार्ज करते हैं, लेकिन ये पक्का है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम के मुकाबले कम से कम 30-40% रेट्स यहाँ के कम होंगे और ज़्यादा ही होंगे जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से। लेकिन ये एक अशासकीय संस्था है, ये शासकीय संस्था नहीं है। शासन का इस संस्थान में सीधा हस्तक्षेप है, जो कमिश्नर भोपाल और डीन मेडिकल कॉलेज, ये हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। अर्थात हम कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेते जो एक व्यक्तिगत डिसीजन हो। जो भी डिसीजन होता है वो सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही होता है और पब्लिक के फायदे के लिए होता है। जी, इस सरकार की जो भी आयुष्मान योजनाएं हैं या जो भी हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो क्या यहाँ एप्लीकेबल हैं? सभी योजनाएं एप्लीकेबल हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कार्ड के बेस पर उपचार हो जाता है। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह सरकारी नहीं है, सरकार नहीं चलाती, इसलिए उनके जो पैकेजेस बने हुए हैं उसकी अनुमति मिलने के बाद ही हम उस आयुष्मान योजना में मरीज का उपचार कर सकते हैं। बाकी जित BHEL, रेलवे या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या CGHS, इन सब से इस अस्पताल को मान्यता प्राप्त है। जोशी जी, यहाँ जो आते हैं मरीज, तो उनके यहाँ रहने के लिए कोई सुविधा है हॉस्पिटल में? देखिए, इसके लिए मैं हमारे जो महापौर थे आलोक शर्मा जी, उनका बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा। उनके प्रयासों से नगर निगम भोपाल ने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया धर्मशाला, जिसको हम विश्रामिका कहते हैं, धर्मशाला भी नहीं है, विश्रामिका है, उसकी स्थापना की है। उसमें लगभग 150-200 लोग एकोमोडेट हो पाते हैं। यहाँ एक और विशेष रूप से बताऊँगा कि हमारे संस्थान में हमने प्रारंभ 2015 से एक मदन मोहन जोशी सेवा संस्थान एवं मद्राज महिला सेवा समिति के सहयोग से जो अटेंडर्स आते हैं, मरीज जो भर्ती रहेंगे उनको तो हॉस्पिटल में जो सुविधाएं, खाना वो सब मिलता है, लेकिन अटेंडर्स के लिए दोनों समय निशुल्क भोजन की सुविधा हमने प्रारंभ की थी। और बड़ा हर्ष का विषय कि आज ये सुविधा 1 सितंबर 2015 से लगातार चालू है। कई संस्थान इसके साथ जुड़ चुके हैं। अब तो ऐसा होता है कि कई बार हमें मना करना पड़ता है लोगों को कि आज ये संस्था कर रही है इसलिए आज आप मत करें। ये एक बहुत बढ़िया सहयोग यहाँ पर मिल रहा है। जोशी जी, एक बात और बताएं कि ऐसा क्या है इस हॉस्पिटल में, ऐसी कौन सी मशीन्स हैं या कौन से एडवांस रिसर्च है कि लोग टाटा मेमोरियल जाते हैं या हैदराबाद जाते हैं या मेट्रो सिटी जाते हैं कि यहाँ आएँ, यहाँ भी वही सुविधाएँ उपलब्ध हैं, ऐसा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, मशीनों से अच्छा, मतलब मशीनें तो हुए ही, जो सबसे बड़ी है कि यहाँ का जो व्यक्ति है हॉस्पिटल में, हम हर आदमी से कहते हैं कि मरीज
को आप ठीक नहीं कर सकते तो अच्छा सा बोल लीजिए, ये सबसे पहली ट्रेनिंग हम देते हैं। और मुझे गर्व है कि मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन अधिकांश, खासतौर से 90 से 95% यदि अस्पताल के सहयोगी, चाहे वो चिकित्सक हों, चाहे वार्ड बॉय हों, चाहे अटेंडर्स हों, उन सब का व्यवहार इतना अच्छा रहता है मरीजों से कि वो आत्मसंतुष्टि उनको मिलती है। जहाँ तक मशीनों और उसकी बात है, तो मध्य प्रदेश का ये इकलौता कैंसर अस्पताल है जहाँ पर 3 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 4 सर्जन हैं, 4 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। रेडिएशन से संबंधित सब उत्तम से उत्तम उच्च कोटि की मशीनें यहाँ पर हैं, प्लस सर्जरी की पूरी सब होती है। तो इसलिए एक अच्छा वातावरण और अच्छी सुविधाएं, अच्छे चिकित्सक, तीनों चीज़ का मिलन यहाँ पर है। तो मैंने भी ये हॉस्पिटल घूमा है डॉक्टर जोशी साहब, तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। और आपसे बात करके दर्शकों को भी समझ में आया हुआ कि ऐसा नहीं है, भोपाल के अंदर भी एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर गौतम कुमार शरण से कराएंगे, जो कि HOD हैं रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। तो आइए उनसे बात करते हैं कैंसर के बारे में। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो कैंसर है आज की डेट में पूरी दुनिया में पैंडेमिक की तरह फैल रहा है, तो इसके क्या पॉसिबल रीजंस हैं, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। राजेंद्र जी, आपने सही कहा कि कैंसर अब एक पैंडेमिक का रूप लेता जा रहा है, शायद उससे थोड़ा कम, लेकिन इस हद तक जरूर जा रहा है कि अब ये काफ़ी चिंता का विषय है। सो जो पहले ट्रेडिशनली ऐसा देखा जाता था कि शहर में कुछ 2-4 लोगों को हुआ है और वो एक न्यूज़ होता था कि उनको कैंसर हो गया, और अब मैं देखता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा है जिनके जान पहचान या जिनके रिलेटिव्स में किन्हीं को ना हुआ हो। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा लाइफस्टाइल चेंजेज है, और जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेज बोलते हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो एक से दूसरे को नहीं फैलता, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है। मुझे लगता है कि कैंसर भी अब धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जो बहुत सारे कारण हैं जिनसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन होता है, उनमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपको कैंसर देकर जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो अब हम बोलते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज है, या हमारा जो पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो रहा है, स्मोकिंग ज़्यादा हो रहा है, अल्कोहल ज़्यादा हो रहा है, हमारा खाने में जंक फूड और फास्ट फूड ज़्यादा है, तो ये बहुत सारा कारण ऐसा है जो कि हम जो हमारा ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को चेंज करके एक मॉडर्न और वेस्टर्न लाइफस्टाइल की ओर जा रहे हैं, तो उसकी सौगात हमको मॉडर्न डिजीज, जो वेस्टर्न डिजीज है, जो उसके रूप में मिल रही है जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर है, इसका कैंसर पता लगते ही मरीज ऐसा लगता है कि आधा तो वहीं पर वो डिप्रेस हो जाता है, तो ऐसा क्या है कि सिर्फ इलाज करने से ही इलाज संभव है, या उसके और भी कोई तरीके हैं कैंसर से उबरने के लिए? देखिए, केवल कैंसर ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें हम टर्म यूज करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन, कि उसको होने ही ना दें। बहुत सारा कॉमन कैंसर्स जो इंडिया में बहुत कॉमन है और जिसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है या प्रीवेलेंस बहुत ज़्यादा है, उनको हम बचा सकते हैं, होने से रोक सकते हैं, ये होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि उसको जितनी जल्दी डिटेक्ट करें तो उसके ठीक होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो जैसा मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में बताया था कि आप जितना अपना टोबैको अल्कोहल कंजम्पशन कम करेंगे, आपका फूड जितना वेरीड वेजिटेरियन कलरफुल डाइट होगा, आपको कैंसर होने की संभावना उतनी कम रहेगी। जो इंडिया में कुछ और कैंसर्स हैं जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चियों के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अगर हम उसको यूज़ करें, या जो स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं कि कब आपको अपने शरीर के प्रति सचेत होना चाहिए और रेगुलर जांच होनी चाहिए, तो इन सब से हम एक बड़ा नंबर ऑफ कैंसर है उसको होने से रोक सकते हैं। और दूसरा, कि अगर हो जाए तो बिना घबराए जितनी जल्दी से जल्दी
एक क्वालिफाइड कैंसर स्पेशलिस्ट के पास, एक क्वालिफाइड और एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल में जो आपके घर के पास हो, उसमें जाकर जितनी जल्दी इलाज शुरू करें उतना अच्छा है। मैं किसी दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका जानकार नहीं हूँ। मैं मेरे एलोपैथ के सिस्टम में बोल सकता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स अगर हम अर्ली स्टेज में पकड़ें तो उनको ठीक किया जा सकता है, और ठीक होने के बाद भी जो रेगुलर फॉलोअप है वो करना ज़रूरी है ताकि जो रिकरेंस हो, वापस आने की जो संभावना है, उसको जल्दी से जल्दी हम पकड़ पाए। कीमोथेरेपी होने से काफ़ी तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस। जो आपको ठीक कर रहा है उससे एकदम सही है। मैं केवल कीमोथेरेपी नहीं बोलता, रेडिएशन भी है, सर्जरी भी है, हर के अपने डिफाइंड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पर जो आपका डॉक्टर है वो क्वालिफाइड है और वो क्वालिफाइड बार्गेनर है, उसको पता है कि आपको कितनी तकलीफ़ देकर हमको आपके लिए कितना फ़ायदा लेना है। तो आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें, वो आपके लिए अच्छा करेगा। इसका इलाज जो आपके हॉस्पिटल में भी देख रहा हूँ, बहुत बहुत रश है यहाँ पर, तो कितना इस क्योरनेस के कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं कैंसर के? अगर हम शुरुआती स्टेज में पकड़ें तो क्योर होने के चांस फॉर मोस्ट ऑफ द कैंसर्स, ज़्यादातर कैंसर्स के लिए, मैं 100% नहीं बोल रहा, ज़्यादातर कैंसर्स के लिए और जो कॉमन कैंसर्स हैं पहला दूसरे स्टेज में, उनके ठीक होने के चांस 90% से ऊपर है। पर वो ड्रास्टिकली बहुत तेज़ी से 90% से 20% पर गिर जाता है, 30% पर आ जाता है अगर आप तीसरे चौथे स्टेज पर जाएं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इलाज में विलंब ना हो, और हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि अपने इलाज में देर ना करें जी। ताकि वो अपने 90% बचने के चांस को 30% पर ना लेके आ जाए। एक चीज़ और हम देखते हैं कि कैंसर होने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है, फिर उसको एक दो साल बाद फिर से हो जाता है, तो ये क्या रीजंस हैं? सारे कैंसर्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स में वापस आने का चांस, जिसको हम रिकरेंस बोलते हैं, वो होता है। और ये कैंसर का इनहेरेंट बायोलॉजी है, मतलब कैंसर का ये प्रॉपर्टी है कि कुछ सेल्स अगर शुरू में ही एस्केप हो जाए या कुछ सेल्स रेजिस्टेंस हो। इसके बारे में अभी रिसर्च चल रहा है और इसके बारे में बिल्कुल ठीक ठीक कह पाना मेरे लिए संभव नहीं है, और अदर अभी साइंटिफिकली संभव नहीं है, क्योंकि अगर हमको ये पता होता कि ये वापस आएगा या क्यों वापस आएगा तो हम शायद उसको वापस ना आने देते। डॉक्टर साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो केयर नहीं करता और उसको रिपीट हो जाता हो कैंसर। जैसा मैंने बोला कि ये कैंसर का एक इनहेरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी कैंसर में मेटास्टासिस होना है, मतलब दूर में जाना है, या लोकल रिकरेंस होना है, और बेसिकली कैंसर एक डिजीज़ नहीं है, कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज है। और शायद अगर आप 10 लोगों का ब्रेस्ट कैंसर देखें या 10 लेडीज़ का ब्रेस्ट कैंसर देखें, तो किन्हीं को तीसरा स्टेज होने पर भी बीमारी कभी वापस नहीं आती, किन्हीं को पहला स्टेज होने पर ही 5% होता है कि वापस आ जाए। तो ये उसका बायोलॉजिकल या जेनेटिक या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो आता है, और उसके बारे में अभी बिल्कुल सटीक टिप्पणी करना, हम एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि 75% फीमेल्स को नहीं आएगा, लेकिन 100 में कौन सी वो फीमेल 75 होंगी इसके बारे में पिन पॉइंट करना डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए ही हम एम्फेसाइज करते हैं कि आप जितनी जल्दी से जल्दी और जितना रेगुलर ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी फॉलोअप करते रहें, ताकि अगर कोई डिटेक्शन वापस आने की संभावना है या आ गई है तो उसको जितना जल्दी हम पकड़ सके ताकि उसका दोबारा इलाज वापस किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ज़रूर हमारे दर्शकों को फ़ायदा पहुंचेगा। नमस्कार। नमस्कार।